वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड बच्चों आज इस वीडियो में हम फोर्थ क्लास मैथ्स के चैप्टर हाफ्स एंड क्वार्टर्स की एक वर्कशीट करने वाले हैं चैप्टर जो है आपका वो कॉन्सेप्ट के बारे में है fraction होता है फ्रैक्शन होता पार्ट ऑफ अ होल किसी भी पूरी चीज का एक जो पार्ट है वो उसका फ्रैक्शनल पार्ट है से ये चैप्टर हम अच्छे से कवर कर चुके हैं एक्सप्लेन भी किया जा चुका है आपको हमने क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर लिए थे वो वीडियो आप सबने देख ली होगी चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं तो उसके लिए हम के की वर्कशीट डिस्कस करेंगे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीआर स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा नया हो चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ओके लेट्स बिगिन वर्कशीट नंबर वन कलर वन हाफ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस नीचे जो पिक्चर्स दी हुई हैं इनका हाफ़ आपको कलर करना है सो फर्स्ट पिक्चर के आपको चार पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है फोर का हाफ आप जानते हैं टू होता है तो आप इसमें से टू पार्ट्स को शेड कर देंगे कि नहीं टू पार्ट्स को ये हाफ हमारा शेड हो गया है नेक्स्ट इसके तो दो ही पार्ट है तो एक पार्ट को आप शेड कर दीजिए दिस इज हाफ़ इसमें हाफ पार्ट को शेड कर दीजिए और इसमें कोई भी हाफ आप कर सकते हैं वन आउट ऑफ टू ये हाफ होता है नेक्स्ट इज कलर वन थर्ड ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन वन थर्ड मीन्स वन आउट ऑफ थ्री किसी भी शेप के आप तीन इक्वल पार्ट्स करेंगे और एक उसमें से शेड कर देंगे कलर कर देंगे तो उतना फ्रैक्शनल पार्ट कलर हो जाएगा यहाँ पर ऑलरेडी थ्री पार्ट्स ही हैं तो एक कोई भी पार्ट आप शेड कर दीजिए अगेन थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है एक पार्ट शेड कर दीजिए फिर से एक पार्ट शेड कर दीजिए और कोई एक पार्ट यहाँ पर शेड कर देंगे आप ओके नेक्स्ट कलर वन फोर्थ ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन वन फोर्थ मीन्स वन बाई फोर या फिर इसको हम क्वार्टर भी बोलते हैं क्वार्टर पार्ट क्वार्टर मतलब वन फोर्थ चार पार्ट करके आपको कोई भी एक पार्ट शेड कर देना है ये क्वार्टर पार्ट है ओके दिस इज क्वार्टर पार्ट नेक्स्ट तो एक तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि कोई भी आपको शेप दियोगी इस ये क्वेश्चन फिर भी इजी है क्योंकि इसमें ऑलरेडी पार्ट्स में डिवाइडेड किया डिवाइड किया हुआ है क्वेश्चन अक्सर ऐसा आता है आपको सिर्फ ये सर्कल दिया होगा या फिर ये रेक्टेंगल ट्रायंगल दिया होगा देखिए ऐसे ये बीच की लाइन नहीं होगी और कहा जाएगा वन थर्ड पार्ट में वन थर्ड पार्ट शेड करिए तो ध्यान रखना है जब आप इसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तीनों इक्वल पार्ट्स होने चाहिए कई बार बच्चे ऐसे गलती करते हैं शेड करने में या कलर करने में आप तीन पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देते हैं वन टू थ्री और एक पार्ट शेड कर देते हैं फ्रैक्शन हमेशा जो पार्ट्स मांगता है उसके अकॉर्डिंग इक्वल पार्ट्स होने चाहिए क्या आपको ये तीनों इक्वल दिख रहे हैं ये ये और ये ये ऑब्वियसली सबसे बड़ा है यहाँ पर तो जब आप डिवाइड करें किसी भी शेप को तो तीन इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड करें आप इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे और फिर एक पार्ट शेड करेंगे ठीक तो पहला क्वेश्चन ऐसा बन सकता है सेकेंड क्वेश्चन ऐसा होता है कि आपको शेड करके पार्ट्स दिए होंगे ऑलरेडी और आपको उनका फ्रैक्शनल पार्ट लिखना है फॉर एग्जाम्पल ये आपको एक रेक्टेंगल uh, दिया हुआ है इसके कुछ पार्ट शेडेड हैं तो इसमें वन टू थ्री फोर फाइव फाइव रोज हैं फाइव में से दो रोज पूरी ही शेडेड हैं सो टू आउट ऑफ फाइव यानी कि टू बाई फिफ्थ पार्ट टू बाई फिफ्थ ऑफ फ्रैक्शन इसमें कलर्ड है शेडेड है नेक्स्ट सेकेंड में ये एक आपका ट्राइंगल है जिसके चार पार्ट्स हैं चार में से दो शेडेड है तो टू आउट ऑफ फोर टू आउट ऑफ फोर जब आप फ्रैक्शन में ऐसे लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और कोई एक ऐसा नंबर है जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को कैंसिल कर सकता है मतलब जिसकी टेबल में टू और फोर दोनों आते हैं टू की टेबल में दोनों आते हैं टू वन जार टू 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 जार फोर तो अक्सर हम लोग इसको कैंसिल करके शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इसका आंसर वन बाई टू होगा क्योंकि आपने चार पार्ट किए दो पार्ट शेड कर दिए यानी कि आपने इसका हाफ पार्ट शेड कर दिया तो पहले आप पार्ट्स लिखेंगे और अगर जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमारा था थ्री बाई फाइव कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसकी टेबल में थ्री और फाइव दोनों आते हो इसलिए हमने इसको थ्री बाई फाइव ही छोड़ दिया लेकिन अगर बाई चांस क्वेश्चन में फाइव बाई फिफ्टीन हो तो आप जानते हैं फाइव या फिर सपोज करिए सिक्स बाई फिफ्टीन हो तो सिक्स और फिफ्टीन दोनों थ्री की टेबल में आते हैं तो थ्री से आप इसको कैंसिल करेंगे थ्री टू जार सिक्स थ्री फाइव जार फिफ्टीन टू बाई फाइव आंसर लिखेंगे क्लियर है तो कभी भी फ्रैक्शन अगर ऐसा आता है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर है दोनों किसी के टेबल में आते हैं तो पहले आप उससे कैंसिल करके तब फाइनल आंसर लिखते हैं होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ हो नेक्स्ट यहाँ पर आपके फोर रोज हैं में से तीन शेडेड है एक बची है सो थ्री बाय फोर ये फ्रैक्शनल पार्ट होगा आगे आते हैं टोटल कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन तो टेन डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा टोटल पार्ट्स नीचे होते हैं शेडेड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बाय टेन अब फिर से आप देख रही हैं सिक्स और टेन दोनों टू की टेबल में आते हैं तो टू से इसको कैंसिल कर दीजिए टू थ्री जार सिक्स टू फाइव जार टेन थ्री बाई फाइव ये आपका आंसर है इतना फ्रैक्शनल पार्ट आपका कलर्ड है यहाँ पर ये स्टार है इसके कितने पार्ट्स किए हुए हैं हमने वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पार्ट्स किए हैं फाइव में से दो शेडेड है सो so टू बाई फाइव फ्रैक्शनल पार्ट होगा नेक्स्ट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट्स में डिवाइडेड है कलर्ड कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव बाई एट चलिए वर्कशीट नंबर वन फिनिश होती है यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आ सकते हैं एग्जाम में आपको कोई पिक्चर देके उसमें शेड करने के लिए बोला जा सकता है ये बीच में डिवीजन नहीं आता है ये आपको खुद करना होता है और दूसरा कोई पार्ट फ्रैक्शन uh, में ऑलरेडी आपका शेडेड है या कलर्ड और फ्रैक्शनल पार्ट पूछा जा सकता है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन व्हाट फ्रैक्शन कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर इस फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या फ्रैक्शनल पार्ट यूज़ करेंगे टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन तो टेन डिनोमिनेटर में होगा कितने शेडेड हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सो सेवन बाई टेन यानी कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन करेक्ट है वट फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट आउट ऑफ एट फोर प्लस वन फाइव सो फाइव बाई एट क्योंकि आठ में से पांच शेडेड है विच फिगर शोज फ्रैक्शन फाइव बाई सिक्स इनमें से कौन से फिगर फाइव बाई सिक्स फ्रैक्शन शो कर रही है ध्यान रखना फाइव बाई सिक्स मतलब छह इक्वल पार्ट्स होने चाहिए पांच शेडेड होने चाहिए फोर फाइव सिक्स ये है सिक्स और फोर शेडेड है तो फोर बाई सिक्स है मतलब ये नहीं है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स में से फाइव शेडेड है सो फाइव बाई पर भी सिक्स है और फाइव शेडेड है लेकिन ये फाइव बाई सिक्स नहीं है इसका रीजन आप जानते हैं क्योंकि यहाँ पर इसने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया इसको देखिए क्या ये पार्ट और ये पार्ट आपको सेम दिखाई दे रहा है ये एक ट्रायंगल है और ये देखिए एक काइट शेप में है तो यानी कि गलती से भी इसको फाइव बाई सिक्स मत लिखना एक कंडीशन फ्रैक्शन की ये होती है कि सभी पार्ट्स इक्वल होने चाहिए ये भी फ्रैक्शन इक्वल नहीं है क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट सेम नहीं है ओके okay? सो so, इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा नेक्स्ट इज विच फिगर शोज टू बाई टेन यानी कि टेन में से दो पार्ट्स आपके शेडेड है कौन सी फिगर में ऐसा है ये देखिए टू पार्ट शेडेड है टोटल टेन पार्ट्स है काउंट कर लीजिए तो ये आपका करेक्ट आंसर है नेक्स्ट इज विच फ्रैक्शन कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फिगर इस फिगर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा फ्रैक्शन पार्ट यूज़ कर सकते हैं टोटल काउंट करिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन में से कितने शेडेड है वन टू थ्री फोर फोर कलर्ड है तो फोर बाई नाइन यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है ठीक तो सेकेंड वही क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट पार्ट में किए थे ऑप्शन की फॉर्म में दिए हुए वर्कशीट नंबर टू में वर्कशीट नंबर थ्री सर्कल द ऑप्शन विच हैव टू थर्ड ऑफ द होल शेडेड इनमें से किस में टू थर्ड शेडेड है होल का मतलब तीन पार्ट्स में आपने डिवाइड करके दो शेड किया है यहाँ पर आपने तीन पार्ट में डिवाइड किया लेकिन तीनों ही शेड कर दिया ये नहीं है यहाँ पर ये तो फ्रैक्शन में ही नहीं है क्योंकि ये दो पार्ट अलग है और ये जो पार्ट है ये काफ़ी बड़ा है तीनों पार्ट्स इक्वल नहीं है तो इसको तो हम पहले ही कैंसिल कर देंगे नेक्स्ट यहाँ पर तीन पार्ट में से दो पार्ट शेड है तो ये टू बाई थ्री है और यहाँ पर भी तीन पार्ट्स में से दो शेडेड है ये भी टू थर्ड है दैट मीन्स ऑप्शन सी एंड डी इज करेक्ट इसने वैसे भी ऑप्शन कहा है मतलब एक से ज्यादा करेक्ट आंसर इसमें हो सकते हैं तो सी और डी बोथ आर करेक्ट सर्कल तो ऑप्शन ऑफ द होल शेडेड थ्री फिफ्थ मतलब पाँच में से तीन शेडेड होने चाहिए यहाँ पर दो शेडेड है आउट ऑफ फाइव तो ये तो नहीं है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर आपके सिक्स बाई टेन इसको शॉर्ट फॉर्म उसने थ्री फिफ्थ बोला है अच्छा थ्री फिफ्थ कहा है टू थ्री जार सिक्स टू फाइव जार टेन जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे तो ये थ्री फिफ्थ ही है कई बार बच्चे इसको सोचते हैं कि ये तो थ्री फिफ्थ हो ही नहीं सकता क्योंकि थ्री फिफ्थ में पाँच पार्ट शेड करके आपको थ्री पार्ट्स फाइव पार्ट्स टोटल करके आपको थ्री पार्ट शेड करने हैं लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कोई फ्रैक्शन ऐसा आता है और शॉर्ट फॉर्म करने के बाद वो थ्री फिफ्थ हो जाता है तो इसको आप चेक करना है मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है ये नहीं है करेक्ट क्योंकि वैसे भी इसमें चारों सभी पार्ट्स इक्वल नहीं हैं इसमें फाइव में से थ्री शेडेड है सो थ्री फिफ्थ ये भी करेक्ट है दैट मींस यहां पर आपका बी और डी दोनों ऑप्शन करेक्ट होंगे सर्कल द ऑप्शन विच द होल शेडेड मतलब पूरे का आधा शेड होना चाहिए ये सही है इसमें भी हाफ शेडेड है ये गलत है क्योंकि इसमें दो पार्ट में डिवाइडेड है एक शेड है वो तो सही है लेकिन ये नीचे वाला और ऊपर वाला, वाला पार्ट सेम नहीं है फ्रैक्शन को चाहिए कि दोनों पार्ट्स इक्वल होने चाहिए तो ये फ्रैक्शन ही नहीं है हाफ और कितना है वो तो बाद की बात हम लोग देखेंगे इसमें वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सिक्सटीन में से कितने शेडेड है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स बाई सिक्सटीन ये भी हाफ़ नहीं है यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन में से फाइव शेडेड है शॉर्ट फॉर्म आप करेंगे तो ये भी वन बाई टू आएगा दैट मीन्स यहाँ पर डी और ए ऑप्शन आपका करेक्ट है शेड द फिगर अकॉर्डिंग द गिवन फ्रैक्शन फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग फिगर को शेड करिए सेवन बाई ट्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन ट्वेल्व ट्वेल्व पार्ट्स हैं ट्वेल्व में से सेवन आपको शेड करने हैं कोई भी सेवन कर दीजिए एंड कोई भी सेवन थ्री फोर चार पार्ट्स हैं यहाँ पर तीन पार्ट्स आपको शेड करने हैं वन टू एंड थ्री तो ये तीन पार्ट शेड कर दीजिए फोर्थ को ऐसे ही छोड़ दीजिए इसके बाद आगे आते हैं नेक्स्ट इज थ्री फिफ्थ अब ये इंपॉर्टेंट है इसमें थ्री फिफ्थ आप कैसे करेंगे क्योंकि यहाँ पर टोटल पार्ट्स कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन आपको फाइव में से थ्री करने हैं तो टेन में से कितने करने होंगे टेन फाइव के डबल है तो आप भी थ्री के डबल यानी कि सिक्स शेड करेंगे यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सिक्स पार्ट्स आप शेड कर देंगे ओके okay? थ्री फिफ्थ करने हैं पांच में से तीन करने लेकिन हमारे पास टेन पार्ट्स हैं अगर पांच में से तीन करने हैं तो दस में से छह क्योंकि टेन फाइव का डबल है तो हम भी थ्री के डबल सिक्स शेड करेंगे होपफुली कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा हो नेक्स्ट इज फोर बाई टेन यहाँ पर टेन पार्ट्स हैं कोई भी चार पार्ट्स आप शेड कर दीजिए वन टू थ्री एंड फोर ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज फोर बाई सिक्स देखिए कितने पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व आपको सिक्स में से फोर करने हैं लेकिन यहाँ पर ट्वेल्व पार्ट्स हैं ट्वेल्व में से आप कितने करेंगे यानी कि सिक्स के डबल पार्ट्स हैं तो आप भी फोर के डबल यानी कि एट पार्ट शेड करेंगे ओके सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज इलेवन बाई एटीन इनको काउंट करेंगे एटीन ही पार्ट्स हैं इनमें से इलेवन आप शेड कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन सॉरी इलेवन ओनली ओके सो ये इलेवन पार्ट्स आप शेड कर देंगे बाकी सेवन पार्ट्स खाली रहने देंगे ओके तो नेक्स्ट ये क्वेश्चन है वर्कशीट नंबर वन पर ही बेस्ड है अभी तक सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही टाइप के हैं शेड एंड कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय यूजिंग लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल्स टू शेड करिए और कंपेयर करिए कि क्या वो बड़ा है या छोटा पार्ट है जैसे टू बाई थ्री और थ्री बाई थ्री को उन्होंने शेड किया तो इन्होंने देखा ये ज़्यादा शेडेड पार्ट है तो इसको इसकी तरफ ये आपने साइन जो है वो लेस देन का टू बाई थ्री लेस देन थ्री बाई थ्री ये लगा दिया यहाँ पर है आपका फोर बाई फाइव पाँच में से चार पार्ट्स आपको शेड करने हैं वन टू थ्री फोर ये है टू बाई फोर यानी कि आपको इतना शेड करना है आधा चार में से दो तो ये वाला इतना ज़्यादा है अब ये देखिए ये इतना पार्ट ज़्यादा है या फिर ये इतना पार्ट ज़्यादा है तो ऑब्वियसली तो बहुत ज़्यादा है इससे तो यानी कि इस तरफ आपका साइन आएगा फोर बाई फाइव ग्रेटर है नेक्स्ट फोर बाई सिक्स टू बाई थ्री फोर बाई सिक्स मतलब छः में से चार शेड करने हैं आपको वन टू थ्री फोर यहाँ पर थ्री में से टू करने हैं वन और टू अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे आप ये पार्ट आपका ज़्यादा है इतना या फिर इसमें इतना शेड है ये ज़्यादा है तो आप देखेंगे एक्चुअली में दोनों ही इक्वल है तो यानी कि ये दोनों इक्वल है फोर बाई सिक्स और टू बाई थ्री इक्वल है क्यों क्योंकि जब आप इसको शॉर्ट फॉर्म में करेंगे टू टू जार फोर टू थ्री जार सिक्स ये भी एक्चुअली में टू बाई थ्री ही हो जाएगा नेक्स्ट फोर बाई एट एंड टू बाई फोर फोर बाई एट मतलब आठ में से चार कर दीजिए वन टू थ्री फोर इतना शेड हो गया हाफ यहाँ पर टू बाई फोर चार में से दो कर दीजिए तो इसमें भी आप देखेंगे हाफ शेड हो जाएगा तो ये भी इक्वल है इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे मैं सारे नहीं करा रही हूँ चलो एक और कर लेते हैं एट बाई फिफ्टीन सेवन बाई फिफ्टीन यहाँ पर आप फिफ्टीन में से एट पार्ट शेड करेंगे फिफ्टीन में से सेवन करेंगे तो ऑब्वियसली एट वाला ज़्यादा होगा फाइव बाय नाइन सेवन बाई नाइन तो सेवन बाई नाइन ज़्यादा होगा क्योंकि एक में नौ में से आप सात ले रहे हैं एक में नौ में से पाँच ले रहे हैं तो जहाँ पर सेवन आपको मिल रहा वो है वो हाइस्ट पार्ट है वन बाई टू थ्री बाई सिक्स ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि थ्री बाई सिक्स थ्री वन जार थ्री थ्री टू जार सिक्स वन बाई टू ही होता है फाइव बाय टेन एट बाई ट्वेल्व ओके फाइव बाय टेन फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन टू फोर जार एट फोर टू जार एट फोर थ्री जार ट्वेल्व वन बाई टू टू बाय थ्री चलिए इसको देख लेते हैं फाइव बाई टेन ये टेन पार्ट्स हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव यानी कि आधा आपने शेड कर दिया हाफ एट बाई ट्वेल्व में देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा शेड हुआ है दैट मीन्स ये आपका ग्रेटर पार्ट है ओके okay, तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को जो एक दो रह गए हैं उनको आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा आगे आते हैं राइट द फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर फॉलो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिए हुए हैं इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा जब भी आप कोई फ्रैक्शन लिखते हैं एक लाइन यहाँ पर होती है उसके ऊपर जो नंबर लिखा जाता है वो न्यूमरेटर होता है नीचे डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर टू है डिनोमिनेटर सेवन फ्रैक्शन टू बाई सेवन हो जाएगा न्यूमरेटर फिफ्टी फोर है डिनोमिनेटर सिक्सटी थ्री फिफ्टी फोर बाई सिक्सटी थ्री फोर्टी सेवन बाई फोर्टी एट फिफ्टी नाइन बाई सेवेंटी आई डोंट थिंक इसमें सारे क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है न्यूमरेटर ट्वेंटी है डिनोमिनेटर डिनोमेटर सिक्सटी नाइन फिफ्टी बाई सिक्स नाइन ओके चलिए ये एक्सरसाइज ये भी आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है अब वर्कशीट नंबर फाइव यहाँ से आपके थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं फाइंड द फॉलोइंग वन बाई टू ऑफ थर्टी सिक्स हाफ ऑफ थर्टी सिक्स आपको निकालना है तो ध्यान रखिएगा हाफ ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन में ऑफ मीन इन टू थर्टी सिक्स वन बाई सिक्स वन बाई टू इंटू थर्टी सिक्स जब भी आपको किसी फ्रैक्शन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या होता है जो न्यूमरेटर में लिखा है उससे नंबर को मल्टीप्लाई करिए मतलब वन को थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई करिए थर्टी सिक्स वन जो थर्टी सिक्स और टू को नीचे ही रहने दीजिए और लास्ट में जो आंसर आए उसको टू से डिवाइड कर दीजिए एक बार फिर से बता देती हूँ जो भी नंबर है उसे इससे मल्टीप्लाई करिए जो आंसर आए आंसर को टू से डिवाइड कर दीजिए हमने थर्टी सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया थर्टी सिक्स आया डिवाइडेड बाई टू अपॉन में जो ये होती है आपकी लाइन ये डिवाइडेड बाई भी बोली जाती है तो यानी कि थर्टी सिक्स को आपको टू से डिवाइड करना है टू वन जार टू माइनस किया वन सिक्सटीन टू एट ज़ार सिक्सटीन कुछ नहीं बचा तो आंसर आया एटीन मतलब इसका आंसर एटीन आएगा करना कैसे आप ऐसे लिखेंगे वन बाई टू इंटू थर्टी सिक्स इक्वल्स टू थर्टी सिक्स वन जार थर्टी सिक्स अपौन में टू इक्ल्स टू एटीन बाकी जो डिवीजन का काम है मल्टीप्लिकेशन का काम है वो सारा रफ में होगा आंसर ऐसे लिखना है चलिए आगे आते हैं टू बाई नाइन ऑफ फोर्टी टू बाई नाइन ऑफ मीन इन टू फोर्टी फोर्टी नाइन को टू से मल्टीप्लाई करिए वन टू फोर जार एट एट प्लस वन नाइन नाइनटी एट बाई नाइन अब नाइनटी एट को नाइन से डिवाइड कर लीजिए रफ में नाइन वन जार नाइन कुछ नहीं बचा ओके okay. क्वेश्चन ही गलत कॉपी किया टू बाई नाइन नहीं टू बाई सेवन है इन टू फोर्टी नाइन नाइन टू ज़ार एटीन फो नाइन्टी एट बाई सेवन सो नाइन्टी एट को हम डिवाइड करेंगे सेवन से सेवन वन जार सेवन माइनस किया टू बचा ट्वेंटी एट सेवन फोर ज़ार ट्वेंटी एट तो कितना आंसर आया फोटीन सो दिस इज इक्वल्स टू फोर्टीन ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज थ्री बाई सिक्स ऑफ फोर्टी टू सो थ्री बाई सिक्स ऑफ मीन्स इं टू फोर्टी टू फोर्टी टू इंटू थ्री करिए थ्री टू ज़ार सिक्स थ्री फोर ज़ार ट्वेल्व वन ट्वेंटी सिक्स बाई सिक्स सिक्स से जब आप डिवाइड करेंगे वन ट्वेंटी सिक्स को सिक्स टू जार ट्वेल्व और सिक्स वन ट्वेंटी वन आंसर होगा आपका नेक्स्ट इज़ फ़ाइव बाई नाइन ऑफ एटी वन सो फाइव बाई नाइन ऑफ मीन्स इन टू एटी वन वन फाइव वन जार फाइव एट फाइव हज़ार फोर्टी फोर ज़ीरो फाइव बाई नाइन नाइन से आप डिवाइड करेंगे फोर ज़ीरो फ़ाइव को नाइन फोर जार थर्टी सिक्स माइनस क्या चार बचा फोर्टी फाइव नाइन फाइव जार फोर्टी फाइव आंसर आया फोर्टी फाइव सो दिस इज इक्वल्स टू फोर्टी फाइव ठीक होपफुली क्वेश्चन क्लियर हो चलिए एक दो और कर लेते हैं एट बाई ट ऑफ वन जीरो एट सो एट बाई ट्वेल्व इंटू वन जीरो एट 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 ज़ार सिक्सटी फोर एट वन ज़ार एट एट सिक्सटी फोर बाई ट्वेल्व ट्वेल्व तक टेबल आपको आती होगी ट्वेल्व सेवन uh, जार एटी फोर माइनस क्या टू ट्वेंटी फोर ट्वेल्व टू ज़ार ट्वेंटी फोर तो कितना आया आंसर सेवनटी टू सो दिस इज इक्वल्स टू सेवनटी टू ओके अब बाकी के क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ चलिए लास्ट और कर देते हैं ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ सेवन बाई एट ऑफ़ हंड्रेड एंड फोर सो सेवन बाई एट ऑफ मींस इन टू वन जीरो फोर सेवन फोर जार ट्वेंटी एट टू कैरी सेवन जीरो जार जीरो प्लस टू टू सेवन वन जार सेवन सेवन ट्वेंटी एट बाई एट अब यहाँ पर सेवन ट्वेंटी एट को आप एट से डिवाइड करेंगे एट नाइन जार सेवेंटी टू एट वन जार एट नाइन्टी वन आंसर आएगा आपका ओके दो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं. एफ एन जी एफ एन जी आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे इन द ब्लैंक ब्लैंक्स को फिल करिए हाफ ऑफ अ मीटर एक मीटर का हाफ दैट मीन्स हाफ ऑफ मींस इन टू अ मीटर मीटर को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लिए दीजिए यहाँ पर तो ये हो जाएगा हंड्रेड क्योंकि एक मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं इसका आंसर सेंटीमीटर में ही आएगा अब हंड्रेड वन जार हंड्रेड जैसा ऊपर बताया गया वैसे ही करना है अपॉन में टू हंड्रेड को जब आप टू से डिवाइड करेंगे टू फाइव जार टेन एंड टू जीरो ज़ार जीरो आंसर आएगा फिफ्टी सेंटीमीटर्स क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया था तो आधे मीटर का एक मीटर का आधा कितना होता है फिफ्टी सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज वन बाई फोरथ ऑफ अ किलोग्राम वन बाई फोर ऑफ मीन्स इन टू अ के जी के जी को ग्राम्स में ही कन्वर्ट कर सकते हैं वन के जी में थाउजेंड ग्राम्स होते हैं अगर आपको पता हो थाउजेंड वन जार थाउजेंड डिवाइड करेंगे फोर से ये डिवाइड करना ही पड़ेगा थाउजेंड डिवाइड बाई फोर फोर टू ज़ार एट टू बचा जीरो कैरी किया ट्वेंटी हो गया फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी जीरो कैरी किया जीरो लगा दिया आंसर कितना है टू फिफ्टी सो आंसर होगा टू फिफ्टी ग्राम्स ध्यान रखना यूनिट का भी क्योंकि अब आपने ग्राम्स में कन्वर्ट कर दिया के को तो आंसर भी ग्राम में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ ऑफ फाइव मीटर्स हाफ ऑफ मीन्स इन टू मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए एक मीटर में सौ सेंटीमीटर होते हैं तो फाइव में फाइव हंड्रेड पाँच सौ हो जाएंगे फाइव हंड्रेड वन जार फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बाई टू डिवाइड करेंगे टू से टू टू जार फोर माइनस किया वन टेन टू फाइव जार टेन जीरो कैरी किया जीरो लगा दिया ऊपर आंसर इज टू हंड्रेड फिफ्टी सेंटीमीटर्स ओके नेक्स्ट फिर से मीटर का है मीटर आप देख लीजिएगा ये भी देख लेना चलो इसको बता देती हूँ डी और ई e आपको ट्राई कर लीजिएगा थ्री फोर्थ ऑफ टू मीटर्स तो थ्री फोर्थ ऑफ मीन्स इन टू टू मीटर्स वन मीटर में हंड्रेड सेंटीमीटर्स होते हैं टू में टू हंड्रेड हो जाएंगे टू हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री को टू थ्री ज़ार सिक्स सिक्स हंड्रेड अपॉन में फोर सिक्स हंड्रेड को डिवाइड करिए फोर से फोर वन ज़ार फोर माइनस किया टू बचा कैरी किया ट्वेंटी हो गया फोर फाइव ज़ार ट्वेंटी ज़ीरो कैरी किया ज़ीरो आंसर हो जाएगा वन हंड्रेड एंड फिफ्टी वन हंड्रेड एंड फिफ्टी सेंटीमीटर्स नेक्स्ट इज टू बाई फोरथ ऑफ वन रुपी रुपी को किसने कन्वर्ट करेंगे आप पैसे में सो टू बाई फोर ऑफ मीन्स इन टू वन रुपी मीन्स हंड्रेड पैसे हंड्रेड टू जार टू हंड्रेड अपन में फोर आज इट इज रहेगा टू हंड्रेड को फोर से डिवाइड करेंगे फोर फाइव जार ट्वेंटी एंड फोर जीरो आर जीरो फिफ्टी पैसे ओके okay? नेक्स्ट काफी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं इन क्वेश्चन को आप खुद कर लीजिएगा नेक्स्ट इज राइट फॉर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फॉर द गिवन फ्रैक्शन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं कोई भी आपको फ्रैक्शन दिया है वन बाई फोर्थ पहले इसको किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए वन को छोड़ के क्योंकि वन से करेंगे तो आंसर सेम ही आएगा वन बाई फोर टू से करते हैं मान लीजिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन टेन किसी से भी कर देंगे वो जो फ्रैक्शन आएगा आपका आंसर आएगा वही इसका इक्वेलेंट फ्रैक्शन होता है मान लीजिए आपने टू से ऊपर टू से नीचे मल्टीप्लाई किया टू वन आर टू फोर टू ज़ार एट टू बाई एट इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन है वन बाई फोर को थ्री से करिए थ्री वन जार थ्री फोर थ्री ज़ार ट्वेल्व थ्री बाई ट्वेल्व इसका इक्वलेंट फ्रैक्शन है वन बाई फोर को फोर से करिए फोर वन जार फोर 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 ज़ार सिक्सटीन ये भी इक्वलेंट है वन बाई फोर को फाइव से करेंगे सो फाइव वन जार फाइव फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी ये भी इक्वलेंट है फिर इसका आंसर हम ऐसे लिखते हैं वन बाई फोर इक्वल्स टू टू बाई एट इक्वल्स टू थ्री बाई ट्वेल्व इक्वल्स टू फोर बाई सिक्सटीन इक्वल्स टू फाइव बाई ट्वेंटी ये सभी इक्वल फ्रैक्शन है ये सभी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है एंड दिस इज आर आंसर ओके एग्जाम में कभी भी इक्वलेंट फ्रैक्शन लिखने को आएगा पहले काम निकाल लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट जितने भी नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करके और उसके बाद सभी को इक्वल के फॉर्म में लिख दीजिए इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा रही हूँ सीधा लास्ट में आ जाते हैं थ्री बाई फाइव तो थ्री बाई फाइव के इक्वलेंट फ्रैक्शन कौन से होंगे पहले आप थ्री बाई फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री टू जार सिक्स फाइव टू जार टेन सो सिक्स बाई टेन उसके बाद थ्री बाई टू को मल्टीप्लाई करेंगे थ्री से थ्री थ्री हज़ार नाइन टू थ्री हज़ार सिक्स सो नाइन बाई सिक्स माफ़ करिएगा फाइव है ये फाइव थ्री हज़ार फिफ्टीन सो नाइन बाई फिफ़्टीन नेक्स्ट इज़ थ्री बाई फाइव को आप फोर से करेंगे फोर थ्री हज़ार ट्वेल्व फोर फाइव हज़ार ट्वेंटी सो ट्वेल्व बाई ट्वेंटी एंड नेक्स्ट इज़ थ्री बाई फाइव को फोर से कर चुके हैं फाइव से कर लीजिए सिक्स से कर लीजिए टेन से कर लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है टेन से कर लेते हैं थर्टी बाई फिफ्टी भी एक इक्वलेंट फ्रैक्शन ही है ओके ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े इसलिए हम टू थ्री फोर फाइव से करते हैं बाकी आपकी मर्जी आप टेन से, से भी कर सकते हैं हंड्रेड से भी कर सकते हैं कंडीशन ये है कि जिससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिनोमिनेटर को करिए ये कॉन्सेप्ट है आपके इक्वलेंट फ्रैक्शन का ओके तो सबसे पहले ये वर्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट है हमने किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना सीखा उसके बाद हमने के जी या फिर रुपीज या फिर मीटर्स को कन्वर्ट करना सीखा उनका हाफ कितना होगा उनका वन फोर्थ थ्री फोर्थ कितना होगा और लास्ट कॉन्सेप्ट आपका इक्वेल फ्रैक्शन का चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट इज वर्कशीट नंबर सिक्स राइट द फ्रैक्शन फॉर द फॉलोइंग वर्ड फ्रैक्शन लिखिए टू सिक्स थ सो वन बाय सेवन सिक्स टेंथ एट इलेवेंथ सिक्स सेवेंथ सिक्स बाय सेवन ये आपके वर्ड से फ्रैक्शन में चेंज करना नाउ राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन तो ये हो जाएगा आपका टू थर्ड नेक्स्ट इज फाइव फिफ्टींथ टी एच जो डिनोमिनेटर है उसका नंबर लेके लास्ट में टी एच लगा दीजिए न्यूमिनेटर एज इट इज रहेगा नेक्स्ट इज सेवन ऊपर आज इट इज नाइन का आप लिख देंगे नाइन्थ ओके फोर एट्थ थ्री इलेवेंथ ओके तो इस तरीके से फ्रैक्शन को वर्ड्स में वर्ड्स को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं नेक्स्ट इज राइट द फॉलोइंग इन टू असेंडिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे पहले छोटा बड़ा 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 सबसे बड़ा तो so, सबसे छोटा फ्रैक्शन देखिए सभी के डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर अगर सेम होते हैं तो न्यूमरेटर जिसका छोटा होगा वो छोटा फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वो बड़ा फ्रैक्शन होगा तो इनमें सबसे छोटा कौन है टू बाई सेवन उसके बाद आती है आता है फोर बाई सेवन सिक्स बाई सेवन एंड एट बाई सेवन क्योंकि टू फोर सिक्स एट यही असेंडिंग ऑर्डर होता है नेक्स्ट सेवन थ्री फिफ्टीन थर्टीन तो सबसे बड़ा है सबसे छोटा इनमें से थ्री बाई सिक्सटीन उसके बाद सेवन बाई सिक्सटीन उसके बाद थर्टीन बाई सिक्सटीन एंड लास्ट में फिफ्टीन बाई सिक्सटीन ठीक होपफुली समझ में आ गया और लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं ट्वेंटी फोर वन थर्टी थ्री फिफ्टीन अपॉन में सबके थर्टी फोर ही है तो सबसे छोटा है वन बाय थर्टी फोर उसके बाद हम लिखेंगे फिफ्टीन बाय थर्टी फोर देन ट्वेंटी फोर बाय थर्टी फोर और लास्ट में लिखेंगे थर्टी थ्री बाय थर्टी फोर यह आपका असेंडिंग ऑर्डर है डिसेंडिंग में उल्टा होता है पहले आप सबसे बड़ा लिखेंगे जैसे इसमें इलेवन बाई एलेवन सबसे पहले आएगा उसके बाद उससे छोटा यानी कि टेन बाई उसके बाद उससे छोटा सिक्स बाई अलेवन और लास्ट में सबसे छोटा फोर बाई अलेवन ये डिसेंडिंग ऑर्डर है लास्ट वाला और देख लेते हैं सबसे बड़ा है इनमें थर्टी फाइव नो फोर्टी टू फोर्टी टू बाई फोर्टी फ़ोर नेक्स्ट इज फोर्टी टू के बाद फोर्टी वन बाई फोर्टी फोर नेक्स्ट इज़ थर्टी फाइव बाई फोर्टी फोर और लास्ट में है ट्वेंटी फोर बाई फोर्टी फोर तो ये है फ्रैक्शन का असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फोर्थ क्लास में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि न्यूमरेटर अलग डिनोमिनेटर अलग है डिनोमिनेटर हमेशा सबके सेम ही रहेंगे तो आप न्यूमिनेटर से डिसाइड करते हैं कौन बड़ा है कौन छोटा जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन छोटा होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फ्रैक्शन इन द बॉक्स अकॉर्डिंग टू द सर्कल्ड ऑब्जेक्ट अभी तक जितने भी हमने फ्रैक्शन के क्वेश्चन किए हैं उनमें जनरली एक शेप होती थी उसको हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते थे टोटल पार्ट्स हमारे डिनोमिनेटर में आते थे वन टू थ्री फोर और जो शेडेड है वो हम न्यूमरेटर में लिखते थे वन बाई फोर वो तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट पर बेस्ड आपके फ्रैक्शन थे कुछ फ्रैक्शन होता है कलेक्शन का जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे आइसक्रीम कप्स दिए हुए हैं जिसमें से कुछ पर सर्कल है आपको उन सर्कल का फ्रैक्शन पार्ट लिखना है तो कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा जो टोटल है वो डिनोमिनेटर में लिखेंगे जितने सर्कल हैं वो न्यूमरेटर में लिखेंगे टोटल कितने कप्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो टेन आप नीचे लिखेंगे टेन न्यूमरेटर में कितना होगा टू पर क्योंकि सर्कल है सो टू बाई टेन आप टू बाई टेन भी छोड़ देंगे तो भी आंसर करेक्ट माना जाएगा लेकिन हायर क्लासेस के लिए मैं बता दूं टू बाई टेन आंसर कंप्लीट आंसर नहीं है आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना पड़ेगा बिकॉज टू और टेन दोनों टू की टेबल में आते हैं तो आप इसको कैंसिल करेंगे टू वन जार टू टू फाइव जार टेन आंसर आप वन बाई फाइव लिखेंगे बट फोर्थ क्लास में अगर आप टू बाई टेन भी छोड़ते हैं तो ये भी करेक्ट है ओके okay? यहाँ पर वन बाय फाइव आंसर होगा आपका या फिर टू बाई टेन ही लिखते हैं चलिए नेक्स्ट या आपको कुछ टोटल दिए हुए टोटल कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन फिफ्टी में से सर्कल कितनों पर है थ्री सो थ्री बाई फिफ्टीन या फिर वन बाई फाइव आप थ्री बाई फिफ्टीन पर भी आंसर छोड़ सकते हैं कुछ फ्लार्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन पर सर्कल है टोटल कितने हैं एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोटीन सेवन बाई फोर्टीन दैट मीन्स वन बाई टू हाफ नेक्स्ट कुछ कार्ड्स हैं कुछ आपको टॉफीज़ दी हुई आइसक्रीम है एप्पल्स हैं पिज्ज़ा है बनानाज हैं है, कुछ हॉट डॉग्स हैं देन कुछ पीसीज हैं आपके केक के और लास्ट में कुछ सॉक्स हैं तो रैंडम कर लेते हैं क्वेश्चन जैसे कि मान लीजिए आपको आ, ये बर्गर है इनमें बताना है तो टू शेडेड है अपॉन में टोटल टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सो टू बाई सिक्सटीन ओके होपफुली फुली क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा जैसे कि यहाँ पर ये केक्स आपको दिए वन टू थ्री फोर फाइव फाइव पर सर्कल है तो फाइव आप ऊपर लिखेंगे टोटल कितने हैं फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन सो फाइव बाई टेन यानी कि वन बाई टू फाइव वन जार फाइव फाइव टू जार टेन फाइव बाई टेन भी आप लिख सकते हैं या फिर वन बाई टू भी लिख सकते हैं क्लियर तो नेक्स्ट इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है ये है हमारी लास्ट वर्कशीट जहाँ पर आपको कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी हुई है पीटर बॉट एट हेमबर्गर्स फॉर हिज पार्टी पीटर जो है वो एट बर्गर लाता है अपनी पार्टी के लिए एट दी एंड ऑफ द पार्टी थ्री हैमबर्गर्स लेफ्ट पार्टी भी हो जाती है तीन बज भी जाते हैं तो बताइए वॉट फ्रैक्शन ऑफ द हैम वर ईटन कितने फ्रैक्शनल पार्ट खाए गए टोटल कितने थे एट तो एट आप नीचे लिखेंगे अगर तीन बचे हैं तो कितने खाए गए मतलब पांच उन्होंने खा लिए सो द करेक्ट आंसर इज फाइव बाई एट ओके ये आंसर है वैसे आपको क्योंकि लैंग्वेज का क्वेश्चन है लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा आप लिखेंगे टोटल हैम equals to एट so, uh, hamburgers, number of hamburgers eaten, H B लिख देते हैं, hamburger की जगह eaten खाए गए जो that is equals to एट minus थ्री क्योंकि आठ में से तीन बचे हैं that means फाइव खाए गए so fractional part fraction equals to फाइव by एट okay next. कैमरन एट थ्री स्लाइसेस ऑफ पिज़्जा कैमरन ने तीन स्लाइस खाए पिज़्जा के समानता ने दो खाए there आर एट स्लाइसिस ऑफ़ पिज्जा पाए आठ स्लाइसिस थे हमारे पास टोटल तो बताइए कितना पार्ट समान ने खाया और कितना वॉट फ्रैक्शन रिमेन कितना बचा तो आप लिखेंगे टोटल पार्ट्स टोटल स्लाइसिस इक्वल्स टू एट समानता ने कितना खाया समानता ने खाए टू रिमेनिंग बचे कितने समानता ने टू खाए कैमरन ने थ्री खाए हालांकि कैमरन का हमसे क्वेश्चन पूछा नहीं हुआ है बट अगर आपको ये निकालना है कि कितने बचे तो फिर कैमरन वाले भी माइनस करने पड़ेंगे सो so एट में से टू और थ्री यानी कि फाइव माइनस कर दीजिए सो so यानी कि थ्री बचे हैं सो फ्रैक्शनल पार्ट ईटन ईटन फ्रैक्शन ऑफ पार्ट इक्वल्स दो उसने खाए हैं आउट ऑफ एट सो टू बाय एट एंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ रिमेनिंग स्लाइसेस बचे हुए का फ्रैक्शनल पार्ट एक्चुअली यहाँ पर स्पेस काफी कम दिया इन्होंने रिमेनिंग पार्ट का फ्रैक्शन कितना होगा क्योंकि थ्री बचे हैं आउट ऑफ एट ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर में हमेशा टोटल आते हैं तो नीचे एट लिखेंगे रिमेनिंग का पूछा तो रिमेनिंग ऊपर लिख देंगे समानता ने कितना खाया उसका पूछेंगे कैमरन ने कितना खाया उसका पूछते तो हम थ्री बाई एट लिख देते क्योंकि क्वेश्चन में समानता का और रिमेनिंग का ही पूछा है तो आपने टू बाई एट और थ्री बाई एट आंसर लिखना है नेक्स्ट इज जेनेज ट्वेंटी फोर रुपीज जेने के पास ट्वेंटी फोर रुपीज थे शी स्पेंट वन बाई फोर्थ ऑफ इट ये तो बहुत Uh, थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है उसने वन फोर्थ स्पेंड कर दिए तो बताइए कितना अभी बचा है एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिए हैं इस चैप्टर से के ने अपनी वर्कशीट में मतलब कि इतना एक्सपेक्ट करते हैं टीचर्स कि बच्चे को आए फोर्थ क्लास में चलिए खैर कोई बात नहीं हालांकि ये क्वेश्चन आई थिंक सिक्स स्टैंडर्ड का होगा छठी क्लास में है ऐसे क्वेश्चन फ्रैक्शन में बट क्योंकि दिए हैं कोशिश करते हैं करने की ट्वेंटी फोर रुपीज़ थे जेनी के पास सो टोटल अमाउंट जेनी हैज़ टोटल रुपीस शी हैड इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर उसने वन फोर्थ जो है खर्च कर दिए अमाउंट शी स्पेंट कितने खर्च किए वन फोर्थ जितने होंगे उसका ही वन फोर्थ निकालेंगे वन फोर्थ ऑफ ट्वेंटी फोर तो इसमें हम क्या करते हैं वन फोर्थ ऑफ मीन्स इंटू होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर का वन फोर्थ निकालिए ट्वेंटी फोर वन जाट ट्वेंटी फोर अप ऑन फोर ये क्वेश्चन हम काफ़ी पहले कर चुके हैं फोर सिक्स ज़ाट ट्वेंटी फोर मतलब कि छः रुपये उसने खर्च कर दिए तो मनी शी मनी लेफ्ट कितने पैसे बचे ट्वेंटी थे छः खर्च हो गए सो ट्वेंटी फोर माइनस सिक्स दैट मीन्स एटीन रुपीज अभी बचे हैं क्वेश्चन समझ में आया टोटल ट्वेंटी फोर थे वन फोर्थ खर्च कर दिए तो हमने ट्वेंटी फोर का वन फोर्थ निकाला वो सिक्स आया फिर हमने टोटल में से जो खर्च किए हैं उसको माइनस कर दिया तो इतना उसके पास बचा है नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिसिज टूमर बॉट फोर्टी कुकीज टू स्कूल फोर्टी कुकीज मिसिस ट्यूमर स्कूल लेकर आती है मिसिस ट्यूमर्स क्लास एट हाफ ऑफ द कुकीज़ हाफ उन्होंने खा लिए लिएज स्मिथ की क्लास ने वन फोर्थ कुकीज खाई तो बताइए कितनी कुकीज बची ओके टोटल कुकीज कितनी है इक्वल्स टू फोर्टी मिसिस ट्यूमर की क्लास ने कितनी खाई टूमर्स क्लास एट इक्वल्स टू वन हाफ़ उन्होंने खाई है हाफ ऑफ फोर्टी हाफ ऑफ फोर्टी कितना होगा बीस चालीस का आधा बीस होता है या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं फोर्टी ऑफ मीन्स इनटू फोर्टी वन जर फोर्टी में टू 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 जार फोर जीरो ट्वेंटी यानी कि मिसेस ट्यूमर की क्लास ने खाई और मिसेस स्मिथ की क्लास ने कितनी खाई क्लास एट इक्वल्स टू वन फोर्थ वन फोर्थ ऑफ फोर्टी यानी कि वन बाई फोर इंटू फोर्टी फोर्टी वन जर फोर्टी फोर्टी बाई फोर मतलब टेन चालीस में से दस मिसेस टूमर की क्लास ने खाई टेन मिसेस स्मिथ की क्लास ने खाई तो कितनी कुकीज़ बची? रिमेनिंग कुकीज़ इक्वल्स टू चालीस में से माइनस कर दीजिए ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी क्योंकि तीस खाई जा चुकी है तो दस बची हैं ओके नेक्स्ट फैन बेक ट्वेल्व लेमन टार्ट्स फॉर हर सन उसने ट्वेल्व लेमन टार्ट बेक किए अपने बेटे के लिए फ़ैन ने बेटे का नाम बॉब है गॉबल्ड अप फोर टार्ट्स उसने जल्दी जल्दी से चार टार्ट्स खा भी लिए वॉट फ्रैक्शन ऑफ द लेमन टार्ड बॉबल बॉब ईट कितना उसने खाया तो फोर आउट ऑफ ट्वेल्व बारह में से चार उसने खाए हैं यानी कि फोर बाय ट्वेल्थ पार्ट चाहे तो इसको शॉर्ट फॉर्म में आप कर सकते हैं फोर वन जार फोर फोर थ्री जार ट्वेल्व यानी कि वन थर्ड उन्होंने उसने खा लिए लास्ट क्वेश्चन है एनी हैज्वेंटी फोर पेंसिल्स इन अ बॉक्स आना के पास ट्वेंटी फोर पेंसिल्स हैं उसके बॉक्स में एटीन पेंसिल्स हैव टू मार्क डॉन दैम अट्ठारह पेंसिल के ऊपर टू मार्क है टू लिखा हुआ है सिक्स पेंसिल के ऊपर थ्री है तो बताइए कितने फ्रैक्शन पार्ट के ऊपर थ्री है कितनों के ऊपर है सिक्स आउट ऑफ ट्वेंटी फोर चौबीस में से छः के ऊपर है तो सिक्स बाई ट्वेंटी फोर सिंपल इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दीजिए सिक्स वन जार सिक्स सिक्स फोर जार ट्वेंटी फोर मतलब वन बाय फोर्थ ये आपका आंसर होगा इसी के साथ वर्कशीट आपकी फिनिश होती है काफ़ी काफ़ी अच्छी वर्कशीट काफ़ी स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए हुए हैं वर्कशीट में बट होपफुली आप सभी को समझ में आ गए होंगे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग